सब्सक्राइब कीजिए निकुल सी डाबी चैनल को और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं एनडी बापू एक बार फिर से आप सभी का हमारी चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी मध्य प्रदेश आए हुए हैं, तो हमने पहले ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन किए और अभी हम जा रहे हैं उज्जैन नगरी, महाकाल दादा की नगरी में। तो रास्ते में हमको बहुत सारी कांवड़ यात्रा देखने को मिलते हैं, जो पगपाला यात्रा करते हुए उज्जैन जाते हैं और महाकाल दादा के शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। फिलहाल हम उज्जैन नगरी में एंटर हो चुके हैं। उज्जैन शहर इंदौर से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में हमको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला है, तो शायद उज्जैन में आज बहुत भीड़ होगी क्योंकि श्रावण माह चल रहा है और उसके साथ कल मंडे भी है, यानी कि सोमवार भी है। तो मेरे ख्याल से शायद हमको भीड़ ज़्यादा मिलेगी। तो अभी पहले हमको होटल ढूँढना है, उसके बाद हम दर्शन के लिए जाएंगे। उज्जैन नगर में आया हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि भगवान शिव के सबसे पवित्र निवास स्थान कहे जाते हैं। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। यह मंदिर रुद्र सागर झील के किनारे स्थित है। पीठासीन देवता लिंगम रूप में भगवान शिव को माना जाता है। तो हमने जैसा कि एक्सेप्ट किया था कि काफ़ी भीड़ मिलेगी, उसके लिए हमको होटल मिलने में भी करीबन 2 घंटे लग गए, तो काफ़ी देर हो गई है, रात हो गई है। तो अभी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं पर मंदिर बंद हो गया है शायद, और मंदिर बंद होने की वजह से अभी से लाइन में लगे हुए हैं भक्तजन सुबह के लिए दर्शन करने के लिए। तो करीबन हमको मालूम पड़ा है कि कल सोमवार है तो बहुत टाइम लगेगा और 8 घंटे के करीब लग सकता है, ऐसा हमको किसी और से जानने को मिला है। तो हम यहाँ से ही महाकाल दादा के दर्शन कर लेते हैं, तो मंदिर में नहीं जा पाएंगे आज, इसके लिए किसी और दिन अच्छे दिन में आएंगे तो शायद महाकाल दादा के दर्शन हो सके। यहाँ पे मार्केट है काफ़ी अच्छा, जहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। बहुत सारी दुकानें हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं, प्रसादी मिलती है, बहुत सारी दुकानें हैं, टॉयज़ मिलते हैं, तो यहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। स्पेशल महाकाल दादा के प्रिंटिंग वाले टी शर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो काफ़ी अच्छा है। अभी हम बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। काफ़ी देर होने की वजह से हम महाकाल के दर्शन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाए, तो हमने लाइव में ही दर्शन किए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हरसिद्धि माता के मंदिर में और वहाँ पे दर्शन करेंगे। तो हम अभी माँ हरसिद्धि माता के दर्शन के लिए मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ पे मंदिर में एंटर होते ही 2 बड़े बड़े स्तंभ मिलते हैं जहाँ पे दिए जलाए जाते हैं और ये पूरे तरीके से जलते हैं, तब काफ़ी अलौकिक दृश्य मिलते हैं। अभी काफ़ी दिए बुझ गए हैं, शाम के टाइम पे करीबन 10-11 बज गए हैं। सभी दिए जलते रहते हैं तब काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है, चारों तरफ उजाला रहता है। और ये मंदिर की हिस्ट्री है जो कि यहाँ पे तख्ती पे लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। अभी हम जाएंगे हरसिद्धि माता के मंदिर के अंदर और दर्शन करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर ऐसे ही नए वीडियो देखना चाहते हैं नई नई जगह के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।